एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड माय नेम इज़ फरा फारूकी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, तो देखिए, आपने ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल तो बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 3D इमेजिनेशन बताऊंगी थ्रू एक मॉड्यूल्स। ठीक है, कि आप 3D में कैसे एक मॉलिक्यूल को अच्छे से उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कैसे इमेज कर सकते हो 3D में एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड शेप को। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर लेट्स जंप टू द वीडियो। तो अगर मैं बात करती हूँ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री जो होती है वो हमारी डिपेंड करती है लोन पेयर पर एंड बॉन्ड पेयर पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ 3 आते हैं, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थ्रू मॉड्यूल्स इसको समझाती हूँ, तो BF3 मॉलिक्यूल है हमारा। ठीक है, ये मॉड्यूल मैंने खुद ही से बनाया है, आप भी इसको घर पर बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3 आते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, दिस इज ट्रायगोनल एंड दिस इज प्लेनर। ठीक है, क्योंकि सारे ही बॉन्ड हमारे एक ही प्लेन में है, इसका एंगल क्या हो जाएगा, 120 एंड ये भी हमारा 120 रहेगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3 आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना मेरा, यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही इक्वल रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ज्योमेट्री और जो हमारा शेप होता है वो इक्वल जब रहते हैं, जब वहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ओके, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3 ही आते हैं, लेकिन उसमें 2 बॉन्डेड पेयर होते हैं एंड 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तब उसकी ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल ही रहती है, बट उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो शेप क्या रहेगा, इसका बैंड शेप हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ थ्रू मॉड्यूल इसको समझाती हूँ, तो इसका एग्जांपल क्या ले सकती हूँ, मैं SO2 ले सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये SO2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बॉन्डेड पेयर है, ये वाला और ये क्या है, हमारे बॉन्डेड पेयर है। ठीक है, ये हमारे क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर तो 3 हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं, तो उनकी जो शेप हो जाती है वो बैंड शेप हो जाती है। ठीक है, और बैंड शेप का क्या एंगल रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी 2D रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ, तो 2D SO2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये यहाँ पर मैं 2D में, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये मेरा है 3D, ठीक है, 3D में मॉलिक्यूल्स को देख सकती हूँ मैं, तीनों डायरेक्शन में देख सकती हूँ, XYZ में। ठीक है, तो ये यही तो है। ठीक है, तो इसका शेप, हमारा जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैंड शेप। आई होप कि ये वीडियो में आपको क्लियर हुआ हो कि जब हम ज्योमेट्री काउंट करते हैं तो वहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को ही काउंट करते हैं, लेकिन शेप में सिर्फ हम बॉन्डेड पेयर्स को ही काउंट करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।